तो जो हमने एग्री कर लिया न्यू पार्टनर के साथ कि ये हमारी गुडविल है उसमें से हम वो अमाउंट एडजस्ट करते हैं जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रहा हो सो देर आर टू केसेस अगर तो एग्रीड अपियरिंग से कम है और दूसरा केस अगर एग्रीड अपियरिंग से ज्यादा है तो जहां पे एग्रीड अपियरिंग से कम होगा वहां पे ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड केस Agreed is greater than the appearing, then old partner capital account will be credited in the old profit sharing ratio. Now, let us see how the entries will be treated in the books of journal. First case was if the agreed value of goodwill is less than the appearing value, then the old partner account will be debited. Casse old partner account debited to goodwill account, and the narration will be.

to old partners capital account and narration will be being goodwill raised to the agreed value and the difference is adjusted to the existing partners capital account now let us take one example a and b are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3 to 2 they admitted c as a partner with one fourth share in the goodwill c 60000 rupees कैश में लेके आया कैपिटल की फॉर्म में लेके आया लेकिन कोई भी गुडविल नहीं लेकर आया और गुडविल की वैल्यूएशन की गई फोर्टी थाउजेंड न्यू प्रॉफिट रेशियो थी टू इज टू वन इज टू वन हमें जर्नल एंट्रीज देनी है तीन कंडीशंस के साथ फर्स्ट इज वेन देयर इज नो गुडविल विल सेकेंड इज इफ द गुडविल अपीयर्स एट रुपीज थर्टी थाउजेंड मीन्स एग्रीड वैल्यू से कम अपीयर हो रही हो थर्ड केस इज वेन द गुडविल इज फिफ्टी थाउजेंड रुपीज वैल्यू से ज्यादा शो हो रही हो सो लेट एस टेक फर्स्ट केस वेन देयर इज नो गुड विल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट तो जब कोई भी गुडविल नहीं है पहली एंट्री हम करेंगे किसी कैपिटल लेकर आया और हमारी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज सिक्सटी थाउजेंड नरेशन विल बी बींग अमाउंट ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर सेकेंड एंट्री विल बी टू रेस द गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू दार्टनर्स इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चालीस हजार गुडविल रेज की गई और चालीस हजार में से थ्री फिफ्थ हिस्सा मिलता है ए को यानी कि चौबीस हजार रुपए और चालीस हजार का टू बाय फिफ्थ हिस्सा मिलता है बी को यानी कि सोलह हजार रुपए सोवर एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट फोर्टी थाउजेंड टू कैपिटल अकाउंट ट्वेंटी फोर थाउजेंड टू बीस कैपिटल और अपियरिंग वैल्यू हमारी कम होती है सेम एग्जाम्पल में जो एग्री किया गया वैल्यू वो था फोर्टी थाउजेंड और जो अपियर हो रहा है वो है थर्टी थाउजेंड इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कितना आया टेन थाउजेंड रुपीज का तो टेन थाउजेंड से गुडविल हमने ज्यादा एग्री किया है तो ये वाला टेन थाउजेंड पुराने पार्टनर्स को उनकी पुरानी रेशियो के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सोवर जर्नल एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट दस हजार की अमाउंट है थ्री बाय फिफ्थ हिस्सा ए को जाएगा यानी कि सिक्स थाउजेंड और टू बाई फिफ्थ हिस्सा इसका बी को जाएगा यानी कि फोर थाउजेंड नो लेट एस टेक केस थ्री वेन द एग्रीड वैल्यू इज लेस देन दैल्यू विच इज अपियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट तो एग्री किया चालीस हजार अपीयर हुआ पचास हजार इसका मतलब दस हजार की गुडविल हमने ज्यादा अपीयर करवाई हुई थी अपनी बुक्स में उसको हम फिर क्या करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को डेबिट करके गुडविल को क्रेडिट कर देंगे ताकि जो ओवर एग्जिस्टिंग या ओवर अपियरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल थी वो एडजस्ट हो जाए तो ओवर अपियरिंग अमाउंट थी टेन थाउजेंड जिसमें से थ्री बाय फिफ्थ हिस्सा ए शेयर करेगा और टू बाई फिफ्थ हिस्सा बी शेयर करेगा सो ओवर एंट्री विल बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंटिंग टू रुपीज सिक्स थाउजेंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंटिंग टू रुपीज फोर थाउजेंड टू गुडविल अकाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज टेन थाउजेंड एंड नरेशन विल बी बींग गुडविल ब्रॉट डाउन टू द एग्रीड वैल्यू इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नोर केस विद द पार्टनर्स डू नॉट वॉन्ट गुडविल एग्जाम्पल हमारी सेम है ए और बी पार्टनर्स है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी थ्री इज टू टू सी एंटर्स एज ए न्यू पार्टनर विद वन फोर्थ शेयर और कैपिटल आया सिक्सटी थाउजेंड लेकिन गुडविल नहीं लेके आया गुडविल चालीस हजार रूपए से वैल्यू की गई और न्यू प्रॉफिट रेशियो है टू इज टू वन इज टू वन लेकिन पार्टनर्स यहाँ पे नहीं चाहते कि किसी तरीके की गुडविल वो अपने बुक्स में शो करें तो हम क्या करेंगे इसको फर्स्ट एंट्री विल बी फिर जो गुडविल वैल्यू की गई है वो गुडविल हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हम क्या एंट्री डालेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू

डेबिट कर लेंगे सो ओवर एंट्री विल बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और गुडविल है चालीस हजार जिसमें से टू बाई फोर हिस्सा जाएगा ए को यानी कि ट्वेंटी थाउजेंड वन बाय फोर हिस्सा जाएगा बी को यानी कि टेन थाउजेंड और फिर वन बाय फोर हिस्सा जाएगा सी को यानी कि टेन थाउजेंड सो दिस इज हाउ वी एडजस्ट गुडविल वेन पार्टनर्स डू नॉट वॉन्ट गुड विल टू बी देयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स नेक्स्ट केस इज़ री ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तो जब नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आता है तो नए पार्टनर के साथ हम अपनी जितनी भी पुरानी एसेट्स या लाइबिलिटीज होती हैं उनको एक बार रीवैल्यू कर लेते हैं यानी कि उनकी वैल्यूएशन हम दोबारा से करवाते हैं तो अगर रीवैल्यूएशन में कुछ गेन या लॉसेस होते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं सो फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड देन टू एडजस्ट ऑल गेंस एंड लॉसेस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड वैल्यूज इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट और फिर जो रीवैल्यूएशन का बैलेंस आता है उसको ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंट्रीज इन केस ऑफ री अकाउंट इज अगर तो एसेट में इंक्रीज हो गया तो एसेट को डेबिट कर दीजिए और अगर एसेट में रिडक्शन आ गई है तो एसेट को क्रेडिट कर दीजिए सो फर्स्ट एंट्री इज व्हेन देयर इज एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एसेट अकाउंट डेबिट टू री अकाउंट सेकेंड एंट्री फॉर एनी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट आवर एंट्री विल बी री अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट इसी तरीके से अगर हम लाइबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं और हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो लाइबिलिटी का तो क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देते हैं और अगर हमारी लाइबिलिटीज रीवैल्यूएशन के टाइम पे कम हो जाती हैं तो लाइबिलिटीज को हम डेबिट करके रीवैल्यूएशन को कर देंगे क्रेडिट फिर अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है वो एसेट जो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी उसको अब रिकॉर्ड कर दें तो हमारी एंट्री बन जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू री अकाउंट सिमिलरली इफ देयर इज एनी अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड एंड नाउ वी नीड टू रिकॉर्ड दैट वी विल बी क्रेडिटिंग द लाइबिलिटी सो ओवर एंट्री विल बी री अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट इफ देयर इज एनी गेन इन रीवैल्यूएशन दैट गेन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर कैपिटल और ओल्ड पार्टनर कैपिटल का बैलेंस बढ़ा देंगे यानी कि कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे सो अवर एंट्री विल बी री वैल्युएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अगर हमारे पास लॉसेज आते हैं तो उनकी कैपिटल को हम कम कर देंगे हमारी एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डैबिट टू री वैल्युएशन अकाउंट ना लेटस्ट टेक वन एग्जाम्पल This is the balance sheet given in front of your screen. Creditors are 10,000 capital X or Y is 15,000 and 10,000 means there are two partners X and Y. Asset side pe hai, cash in hand, debtors, stock, furniture, land and building. Now let us see what happens. X or Y ki purani ratio hai 3 to 2, Z was admitted as a partner and you are required to record the entries in the journal.

at the rate of 5% and rupees 100 is to be provided for electricity bill investment worth rupees 500 to be taken into account earlier not mentioned creditors ko write off karna hai worth rupees 50 यानी कि वो creditors जो अब हमसे किसी तरीके का claim नहीं करेंगे उनको हमने write off कर देना है so let us take these entries one by one पहली entry है जब z एज अ पार्टनर हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस होता है तो वो कैश लेके आता है या वो बैंक के थ्रू पेमेंट करता है तो एंट्री विल भी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट एंड टू गुडविल अकाउंट कैपिटल लेके आया वो पचहत्तर सौ गुडविल लेके आया वो पच्चीस सौ तो टोटल बैलेंस जो हमारे पास बैंक में आया वो था टेन थाउजेंड सेकेंड एंट्री अब जब वो गुडविल लेके आया है उस गुडविल को हमने पुराने पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है इन देयर सेक्रीफाइजिंग रेशियो यहाँ पे कोई गुडविल पहले से अपीयर नहीं कर रही इसका मतलब न्यू गुडविल को हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे तो गुडविल लेके आए वो 2500 सौ सेक्रीफाइजिंग रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो बनती है थ्री टू टू इट मीन्स अवर एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट x को मिलेगा थ्री बाई फाइव ऑफ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यानी कि फिफ्टीन हंड्रेड और y को मिलेगा टू बाई फाइव ऑफ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यानी कि वन थाउजेंड फिर उसके बाद हमने देखा कि फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई स्टॉक की वैल्यू कम हो गई और एक प्रोविजन हमने डेटर्स की डाली जिसकी वजह से डेटर्स की वैल्यू भी कम हो गई तो so इसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेटर्स अकाउंट फर्नीचर की वैल्यू जो पाँच हज़ार थी अब पैंतालीस सौ रह गई है तो हम फर्नीचर के आगे लिखेंगे फाइव हंड्रेड रुपेज स्टॉक को हमने डेप्रिशिएट किया टेन परसेंट के हिसाब से तो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ डेटर्स के ऊपर हमने फाइव परसेंट की प्रोविजन क्रिएट की यानी कि सिक्स थाउजेंड मल्टीपाई बाई फाइव अपॉन हंड्रेड मीन्स थ्री हंड्रेड सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के आगे हम लिखेंगे थ्री हंड्रेड रुपीज़ अवर नरेशन विल बी बींग रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू रीवैल्यूएशन अब इसके बाद जो एप्रिशिएट हुआ है उसकी एंट्री हम रिवैल्यूएशन में डालेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस बढ़ गया इन्वेस्टमेंट जो पहले हमने रिकॉर्ड नहीं की थी अब रिकॉर्ड करेंगे अब उसको एसेट शो करना है तो इसलिए उसको डेबिट कर देंगे अवर एंट्री विल भी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूए